तो हमने आपको अपनी बीती रिपोर्ट में बताया ही था कि कैसे शो अनुपमा के मेकर्स ने सीरियल में वनराज का किरदार निभाने वाले एक्टर सुधांशु पांडे को ये कहकर निकाला कि अगर काम करना है तो हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। वेल, इसके बाद अब सुधांशु और शो के प्रोड्यूसर राजन शाही के बीच झगड़े की खबरें और भी ज्यादा वायरल हो रही हैं। इस खबर में एक नया अपडेट जुड़ गया है। दरअसल अब खबरें आ रही हैं कि वनराज शाह का रोल प्ले करने वाले एक्टर से ना केवल राजन शाही का झगड़ा हुआ बल्कि इसके साथ साथ शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स से एक्टर को अनफॉलो भी कर दिया है। जी हाँ, राजन शाही ने कर दिया है सुधांशु पांडे को अपने हर सोशल नेटवर्किंग साइट से अनफॉलो। वहीं सुधांशु पांडे ने भी राजन की तरह उन्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट से बाहर कर दिया। प्रोड्यूसर राजन शाही ने सुधांशु पांडे को उनके जन्मदिन पर विश तक नहीं किया था। सुधांशु पांडे और राजन शाही के बीच झगड़े की खबरें यहीं से ही कंफर्म हो जाती हैं। जिन्होंने हमारी बीती रिपोर्ट नहीं देखी उन्हें बता दें कि दोनों के बीच ये झगड़ा शो में आने वाले लीप को लेकर हुआ था। वेल, अगर इस लीप के बारे में आपको और भी जानना है, अगर आपको इस झगड़े के बारे में और भी जानना है तो हमारी बीती रिपोर्ट देखिए। जाते जाते बताते चलें कि ये खबरें भी आ रही थी कि सुधांशु पांडे की सीरियल में लीड अनुपमा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रूपाली से झगड़ा था। वेल, सुधांशु ने इन झगड़ों पर बयान भी दिया था। सुधांशु ने रिएक्ट करते हुए कहा था कि हाँ, कई बार हमारी काम को लेकर बहस हो जाती है, लेकिन ये बहस इतनी नहीं है कि हम एक साथ काम ना कर सकें। हम इतने इमैच्योर नहीं हैं। मैं तो रूपाली के साथ मस्ती भी करता हूँ। जिससे ये तो साफ हो जाता है कि सुधांशु ने ये शो अनुपमा की वजह से तो नहीं छोड़ा है। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।